खोजी पॉइंट के मोजिस दोस्तों, मैं हूं कासम अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को तैयार कर रहा है और बहुत जल्द इस तैयारे को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। ये ब्लॉक पहले ब्लॉक से कितना मुख्तलिफ है और इसमें कौन कौन से हथियार नसब किए गए हैं और इसमें कितने हार्ड पॉइंट्स कहां कहां पर रखे गए, इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बकायदा आगाज करें, चैनल पर नया शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और दुश्मन भी इस तैयारे से खौफ खाता है। अब पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है, जो कि पहले ब्लॉक्स की निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है। इसमें पहले तैयारों की निस्बत बहुत ज्यादा हथियार भी नसब किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये किस तरह के हथियार हैं और कहां कहां पर नसब किए गए हैं। इस बारे में मैं पहले भी आप दोस्तों को आगाह कर चुका हूँ, लेकिन इस तैयारे के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके हथियारों में रात क्रूज मिसाइल भी शामिल किया जा सकता है और इसके साथ साथ चीन के बनाए हुए PL-15 मिसाइल भी इसमें नसब किए जा सकते हैं। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है। इसका मतलब यह है कि ये भारत के अंदर किसी भी जगह 300 किलोमीटर के अंदर किसी भी दुश्मन की तंसीबात को तबाह कर सकता है। जहां तक ब्लॉक 3 के बारे में बताया जा रहा है कि ये पहले ब्लॉक की निस्बत बहुत ज्यादा खसूसियात का हमल है, वहां पर ये बात भी सामने आई है कि इसमें 11 बैरूनी तौर पर हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे, जिनमें 5 हार्ड पॉइंट फ्यूलाज पर हैं और 1 हार्ड पॉइंट सेंटर लाइन में होगा और 2 हार्ड पॉइंट साइडों पर रखे जाएंगे और 3-3 हार्ड पॉइंट तैयारों के परों के नीचे लगाए जाएंगे। लेकिन चीन या पाकिस्तान ने अभी तक इनकी तफसीला शेयर नहीं की कि ब्लॉक 3 में असल कितने हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएंगे, लेकिन अंदाजा यही है कि शायद 7 हार्ड पॉइंट्स लगाए जाएं। लेकिन जब तक लग नहीं जाते तब तक असल बात सामने नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह इसके इंजन की ताकत को बढ़ाया गया और ये भी बताया गया कि ये ज्यादा बोय ले जाने की सलाहियत रखता है, इससे इस बात का पता चलता है कि इस तैयारे की सलाहियतों में बेपनाह इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर इस तैयारे में 7 हार्ड पॉइंट्स लगाए जाते हैं तब भी कम से कम 4 मजीद हार्ड पॉइंट्स लगाए जा सकेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हथियार कहां पर लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर इसमें फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल लगाए जाएंगे और इस बारे में ये बात सामने आई है कि PL-8, PL-11 और PL-12 और PL-10 फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से फायर किए जाएंगे, जबकि PL-8 शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। ये मिसाइल पहले भी पाकिस्तान के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में नस्ब है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के परों के नीचे 6 मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं और ये त्यारा इनको बासानी दुश्मन पर दाग सकता है, जैसा कि PL-15 जैसे 4 मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। शॉर्ट रेंज के फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल 10 अदद के करीब ब्लॉक 3 कैरी कर सकता है। इसके साथ साथ फ्यूल टैंक के साथ लगे हुए गाइडेड बम वगैरह भी इससे फायर किए जा सकेंगे। पाक फिजाइया सिक्योरिटी वजूहात की वजह से तमाम हथियारों को शेयर नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मालूमात मीडिया तक पहुंच जाती हैं। लेकिन दिफाई माहिरीन इस तैयारे के बारे में जो अंदाजे लगाते हैं, ये चूँकि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज्यादा जदीद है, इसलिए इसमें हथियार भी ज्यादा नसब किए जाएंगे। इसमें एंटी शिप मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जिनमें CM-802 जमीन पर मार करने वाले मिसाइल और शिप को तबाह करने वाले मिसाइल भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ YJ-8 मिसाइल भी इसमें नसब किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई है कि YJ-9 मिसाइल भी इससे फायर किया जा सकता है, जो कि चीन का बना हुआ मिसाइल है। इसके साथ साथ इसमें 23mm की गन भी मौजूद है, जो कि तैयारे के नोजल पॉइंट के ऊपर लगाई गई है। ये गन इससे पहले ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी लगाई गई है। इसके साथ साथ ये इंडिया भी दिया जा रहा है
कि इसमें दो ऐसे हार्ड पॉइंट्स भी लगाए जाएंगे जो कि मखसूस वक्त और बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें अगर मजीद हथियार फिट करने की नौबत आए तो इसमें और ज्यादा हथियार लगाए जा सके। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये त्यारा भारतीय राफेल त्यारे का मुकाबला करने के काबिल हो चुका है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि ये तफसीलात सिर्फ अंदाजों पर मबनी है, ना ही चीन और ना ही पाकिस्तान ने इस बारे में कोई वजाहत की है और ना ही कोई तफसीलात पाकिस्तान एयरफोर्स ने शेयर की है। दिफाई माहिरीन चूँकि पहले त्यारों के बारे में इल्म रखते हैं, उन्हीं त्यारों की मदद से ये तमाम अंदाजे लगाए गए हैं कि इन त्यारों में क्या कुछ मौजूद है और कौन कौन से हथियार लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये मालूमात जो कि आप दोस्तों को बताई गई, जरूरी नहीं कि ये हतमी हो, बल्कि इस बात के कभी इम्कान है। नाज़रीन अकराम, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दीगर दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ अपने गुमनाम इरस को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगेबान।